चलिए गुड इवनिंग एवरी वन वेल बैक आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है सभी प्यारे बच्चों का तो फटाफट सेशन सेशन में लाइव लाइव बनेंगे और और जो विद्यार्थी बन गए वो को एक बार शेयर लाइक जरूर कर देंगे जल्दी से और तुम वहां से गेट से जो निकले वो गेट बंद करके आए जिम्मेदारी है गेट बंद करके आना चलिए स्वागत है सभी का और जो विद्यार्थी सेशन में नए बनते जा रहे हैं वो सेशन को एक बार शेयर जरूर करते चलें अपने साथ में सेशन में नोटिफिकेशन नहीं आया स्वागत है आप सभी का गुड इवनिंग तो आज ये सेशन जो है आपका स्पेशल सेशन है इसमें हम लोग सिंकोनस मशीन को देखेंगे कि सिंकोनस मशीन से अभी तक के सेसन्स में अभी तुम देखोगे अभी तक जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स हुए हैं दो में खासकर उन एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे गए सिंकोनस के जो जब तक आप उनको तरीके से सिंकोनस मशीन नहीं पड़ी होगी तब तक आप उन सवालों को नहीं कर सकते हैं तो बात करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की कि किस तरीके से इसको टैकल करना है सवालों को ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें क्योंकि अभी तुम पावरग्रिड का पेपर देने जाओगे मैं गारंटी देता हूं इस बात की तुम्हें सात आठ सवाल जरूर मिलेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला सवाल आपके सामने ये रहा इसका जवाब दीजिए और तेज जवाब दीजिएगा पहला सवाल आपसे कह रहा है एन अल्टरनेटर इज अ पॉलीफेज सिंकोनस मशीन ऑपरेटेड विद द डीसी एक्साइटर फिर है आपके पास में पॉलीफेज सिंकोनस मशीन ऑपरेट विद एसी एक्साइटर थ्री फेज इंडक्शन मशीन विद प्राइम ओवर या फिर एनी एसी जनरेटर आपको बताना है कि आपके पास में जो सिंकोनस मशीन होती है वो सिंकोनस मशीन क्या है बताइए जल्दी से सिंकोनस मशीन क्या होती है देखो अगर हम बात करें इसमें पूछा है एक अल्टरनेटर अल्टरनेटर आपके पास में जब आप सिंकुनस मशीन पढ़ते हो सिंकुनस मशीन पढ़ते हो तो इस सिंकुनस मशीन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है एक सिंकुनस मोटर होती है और एक होता है आपके पास में आप उत्तर अपने पेज पे पीछे की कॉपी पे पेज पे लिखते जाएंगे उत्तर ठीक है और उसमें कलाकारी नहीं करेंगे जिसका इसका जो उत्तर आ रहा है उत्तर लिखेंगे बाद में जब मैं क्लास एंड करूंगा तो बताओगे कितने सही है समझ गए और उसमें काट पीट नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर वन और उसके सामने उत्तर मेरे पास डंडा रखा है वो रखा है उधर उधर ठीक है आपके पास में क्या है सिंकोनस मोटर आपके पास में और ये है आपके पास में सिंकुनस जनरेटर और जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं अल्टरनेटर अल्टरनेटर हमारे पास में आपने डीसी मशीन पढ़ी होगी डीसी मशीन हमारे उतने ज्यादा काम की नहीं है सबसे ज्यादा अगर यूज किए जाने वाली मोटर्स में से केवल हमारे पास में दो मोटर होती हैं वो है सिंकुनस और आपके पास में इंडक्शन आपके पास में सिंकुनस मोटर आपके पास में वहां उसने बात की है कि एन अल्टरनेटर जब तुम अल्टरनेटर पढ़ते हो तो अल्टरनेटर पढ़ते समय आपको बताया जाता है कि इसमें एक रोटर होता है डेट इज द साइलेंट पोल रोटर क्या बोला जाता है सेलेंट पोल रोटर और इसके बाहर आपके पास में एक स्टेटर दिखाई देगा जिस पर आपके पास में कंडक्टर्स होंगे आपके पास में एक कंडक्टर ए और ए डैश ये है आपके पास में आगे चलोगे आप क्लॉक तो मिलेगा बी और इसके अपोजिट मिलेगा आपको बी डैश और इसके और आगे चलोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा सी और इसके अपोजिट मिलेगा आपको सी डैश आपके पास में यहाँ पर एक बाइंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डीसी सी बाइंडिंग और आप लोग यहाँ पर बाइंडिंग करते हो और यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन देते हो ये आपके पास में डीसी एक्साइटेशन इसीलिए इस मोटर को डबली एक्साइटेड या फिर इस मशीन को डबली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है w excited excited मशीन बोला जाता है इसको अब आपके पास में उसने यही पूछा है, एन अल्टरनेटर एज तो अल्टरनेटर आपको कैसा नजर आ रहा है आपके पास में आप पॉलीफेज पॉलीफेज का मतलब होता है एक से अधिक फेज तो आपके पास में पॉलीफेज सिंकोनस मशीन ऑपरेटेड विद ये डीसी लिखा हुआ है डीसी एक्साइटर आप यहां पर एक्साइटेशन के रूप में कौन सा जनरेटर यूज करते हो एक्साइटेशन किस जनरेटर से देते हो जनरेटर कंपाउंड एक्साइटेशन के लिए या तो हम यहां पर तीन व्यवस्थाएं होती हैं या तो मैं कोई ऑक्जरी जनरेटर यूज करूं ऑक्जलरी का मतलब होता है आपके पास में आपके पास में एक सहायक जनरेटर सहायक जनरेटर के रूप में आपके पास में कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर या फिर आपके पास में बैटरी होती है क्या होती है बैटरी होती है तो इसका सही जवाब क्या होगा ए क्या उत्तर आया सभी का ए चलिए अगली अगले अगले सवाल की तरफ चलते हैं सेंट करते हैं कंपाउंड पक्का चलिए हो गया चलिए आगे की सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल आपके पास में यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग द फील्ड ऑन द रोटर इन एन अल्टरनेटर आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि आप फील्ड करंट फील्ड वाइंडिंग को कहा रोटर पर प्लेस करते हो किसमें अल्टरनेटर में आपके पास में पहला है स्मॉल पावर इन द फील्ड करंट इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज मेड इजी ऑन द स्टेटर द रोटर लार्जर पावर इन स्टेटर लार्जर करंट इन स्टेटर बताइए कौन सा आपके पास में सही है पहला आपसे कहा है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग फील्ड ऑन द रोटर इन अ अल्टरनेटर यानी कि आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारण है कि आप किसको बेटा फील्ड को कहां पर प्लेस करते हैं रोटर के ऊपर एन अल्टरनेटर किसी एक अल्टरनेटर में पहला आपके पास में है स्मॉल पावर इन द फील्ड करंट आपके पास में स्मॉल पावर इन फील्ड करंट का मतलब हो गया कि आपके पास में फील्ड सर्किट के अंदर बहुत कम करंट होती है

सभी लोग जवाब देंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम बात करें अल्टरनेटर की देखो जिन्होंने आंसर दे दिया अच्छी बात है जिन्होंने नहीं दिया इसको समझ लो इसको फाड़ करते हैं इसकी अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूं तो अल्टरनेटर में दो बाइंडिंग करते हैं हम लोग आपके पास में एक तो होती है आर्मेचर बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग और एक होती है आपके पास में फील्ड बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग को हम लोग कहां करते हैं रोटर पर और आपके पास में आर्मीचर वाइंडिंग को कहा करते हैं स्टेटर पर हमारे पास में जो आर्मीचर वाइंडिंग होती है यहां से हम लोग क्या निकालते हैं थ्री फेज जब थ्री फेज आपके पास में यहां से निकलेंगे तो इस वाइंडिंग को मैंने क्या बताया था कि ये वाइंडिंग कैसी होगी आपके पास में हाई पावर वाइंडिंग होगी क्या होगी हाई पावर वाइंडिंग हाई पावर वाइंडिंग यहां पर आपके पास में बेसिकली हम लोग क्या देते हैं डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो इसको हम बोलते हैं लो पावर वाइंडिंग। अब अगर हम बात करें कि यदि मैं आपके तो मुख्य कारण क्या था रोटर पर रखता तो मेरे पास में ये एक तो हाई पावर वाइंडिंग है अगर मैं यहां रखता तो आपके पास में एसी से डीसी यानी कि आपके पास में डीसी से एसी कन्वर्ट करने में क्योंकि आपके पास में जितनी भी आर्मेचर वाइंडिंग्स होती है किसी भी मोटर में उन सब में कैसी करंट पाई जाती है अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट पाई जाती है अगर मैं इसको बाई डिफॉल्ट इस वाइंडिंग को यहां रखता तो आपके आपके पास पास में कितनी आपके पास में क्या लगती बेटा तीन रिंग लगती यानी कि अगर तुम इस वाइंडिंग को यहां करते तो थ्री स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड है ना थ्री स्लिप आपको रिक्वायर्ड पड़ती एसी से टू आपके पास में डीसी से एसी जाने में डीसी टू एसी जाने में अब आपके पास में अगर इसमें स्टार वाइंडिंग कर दिया आपने तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा स्लिप लगती है वन एक्स्ट्रा स्लिप अगर तुमने स्टार कर दिया तो एक एक्स्ट्रा स्लिप लगती अगर एक एक्स्ट्रा स्लिप लगती तो आपके पास में टोटल स्लिप रिंग हो जाती है कितनी चार अब आपके पास में स्लिप रिंग सस्ती तो आती नहीं है ये होती है आपके पास में कॉस्टली अब आपके पास में चूंकि ये वाइंडिंग जो होगी वो हाई पावर वाइंडिंग होगी तो आपके पास में यहां पर इंसुलेशन क्या होगा आपके पास में हाई इंसुलेशन हाई होगा तो आपके पास में बहुत महंगी मिलेगी रोटर uh, यानी कि हम इंसुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं किस पर स्टेटर पर एच कंपेयर टू रोटर अगर मैं क्या अगर आर्मेचर बाइंडिंग पर क्लियर है चलिए उत्तर नंबर भी इसका सही होगा सभी को समझ में आ रहा ना टाइपिंग हिंदी प्लीज काई की हाई टाइपिंग हिंदी प्लीज तुम्हें तो हिंदी में मैं बोल तो रहा हूं क्वेश्चन की हिंदी में तुमको स्पष्ट एक-एक बात बताई का, कान नहीं है तुम्हारे कान भी तो होंगे चलो अगला कंपेयर टू द साइलेंट पोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर द स्टीम एंड द गैस टरबाइन जनरेटर हैव सिलिंड्रिकल रोटर फोर आपसे पूछा गया है कि आपके पास में साइलेंट पोल इलेक्ट्रिक जनरेटर के कंपेयर में और आपके पास में स्टीम और गैस टर्बाइन में हम लोग जो जनरेटर रखते हैं क्यों होता है एयर अच्छा का सर्कुलेशन हो एडी देंट लॉस इन द रोटर यानी कि आप क्या कर सको एडीकरेंट लॉसेस को क्या कर सको रिड्यूस कर सको किसके अंदर रोटर लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्म इन द फील्ड बाइंडिंग या फिर प्रोवाइडिंग हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बताइए मैंने आपको सब कुछ लिखवा एक एक ऑप्शन तुम्हारे नोट में पूरा दिखा हुआ है अगर तुम ध्यान से रिवीजन करके आओगे सारे उत्तर सही निकलेंगे तुम्हारे क्लियर है अगर हम बात करते हैं बेटा आपके पास में एक साइलेंट पोल रोटर की और एक आपके पास में सिलेंड्रिकल रोटर की या फिर हम साइलेंट पोल रोटर को दूसरे नाम से आपके पास में दो प्रकार के रोटर हम जनरली यूज करते हैं अगर हम बात करें इस सिंकोनस मोटर में इस सिंकोनस मशीन में इस सिंकोनस मशीन तुम अपनी अटेंडेंस भी दे के जाना मैं कल देखूंगा इन सबको सिंकोनस मशीन में सो के आ रहे है? बहुत बढ़िया सिंकोनस मशीन में आपके पास में जो रोटर होते हैं अगर आपके पास में सिंकोनस मशीन के रोटर की बात करें तो जनरली कितने प्रकार के रोटर यूज करते हो दो कौन कौन से साइलेंट पोल रोटर होगा आपके पास में बेटा दूसरा होगा सिलेंड्रिकल 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 रोटर अगर मैं बात करूं किसकी आपके पास में साइलेंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम क्या होता है, है? प्रोजेक्टेड रोटर वेरी गुड प्रोजेक्टेड रोटर और इसको क्या नाम होता है कह लो या फिर टर्बो रोटर कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपके पास में जनरली दो प्रकार के रोटर होते हैं साइलेंट पुल आपके पास में या फिर प्रोजेक्टेड टाइप रोटर आपके पास में क्या होता है एक हमारे पास में एक ठोस बॉडी होती है पूरी की पूरी गोल उस ठोस बॉडी को हम बीच में से काटते हैं और हम लोग एक पंख बनाते हैं उसके जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड अगर हम बात करें इसमें कि अगर मैं प्रोजेक्टेड रोटर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा प्रोजेक्टेड रोटर देखो कुछ लुक लाइक like इस जैसे होगा आपके पास में जैसे अगर हम बात करें यहां पर तो तुम्हारे पास में ये दिख नहीं रहा होगा ना कलर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसे नजर आएगा ये आपके पास में जनरली आपके पास में फोर पोल बनाए हैं ये आपके पास में डेट इज द प्रोजेक्टेड है ना दैट इज द प्रोजेक्टेड आपके पास में अगर मैं सिलेंड्रिकल रोटर की बात करता हूँ तो generally आपका ये फ्रंट व्यू आपको नजर आता है लेकिन आपके पास में ये काफी लंबा होता है बड़ा एक सॉफ्ट जैसे होता है आपके पास में साफ दिखाई देगी ऐसे अगर हम बात करें तो आपके पास में इसमें समथिंग आपके पास में एन एन पोल होंगे यहाँ और एस एस पोल होंगे इसमें भी आपके पास में एक एन और एक एस पोल होगा अब जरा जब इसको हम रखते हैं कहाँ पर स्टेटर के अंदर तो स्टेटर के अंदर जब आप इसको रखोगे तो आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि पोल फेस के सामने एयर गैप आपको कैसा मिलेगा मिनिमम कैसा मिलेगा एयर गैप कैसा होगा पोल फेस के सामने यानी कि आप पोल फेस के सामने एयर गैप मिनिमम होगा और अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो मैंने आपको दूसरे शब्दों में कहा था कि आपके पास में पोल टू पोल एक्सेस आपके पास में डी एक्सेस कहलाती है जिसको डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं और आपके पास में पोल टू पोल एक्सेस क्या कहलाती है डी एक्सेस कहलाती है ये भी डी एक्सेस है आपके पास में और अगर हम बात करें इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस आती है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं क्यू एक्सिस बोलते हैं आपके पास में अगर हम बात करें तो डी एक्सिस पर एयर गैप मैं इसकी बात कर रहा हूं साइलेंट पोल की डी एक्सिस पर आपके पास में एयर गैप कैसा होगा एयर गैप मिनिमम होता है आपके पास में और यदि मैं क्यू एक्सिस की बात करूं अच्छा कैसा होगा मैक्सिमम होगा कैसा होगा एयर गैप आपके पास में कैसा होगा मैक्सिमम 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 होगा आपके पास में क्यू एक्सिस पर आपके पास में एक्सिस पर एयर गैप आपके पास में कैसा होगा मिनिमम और क्यू एक्सिस पर मैक्सिमम होगा अगर एयर गैप ज्यादा है तो इसका मतलब रिलक्टेंस भी ज्यादा होगा और रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो एमएमएफ आपके पास में क्या होगा कम होगा इसमें भी आपके पास में एयर गैप अगर आपके पास में कम है तो आपके पास में रिलक्टेंस कैसा होगा कम होगा और एमएमएफ कैसा होगा आपके पास में ज्यादा होगा यानी कि डी एक्सिस पर एमएमएफ आपको कैसा मिलेगा ज्यादा और क्यू एक्सिस पर आपको एमएमएफ मिलेगा कम अगली बात करें अगर इसकी इसमें एक आपके पास में जब ये मोटर घूम रही होती है तो क्योंकि आपके पास में यहां एयर गैप आपके पास में ज्यादा है कहां पर आपके पास में क्यू एक्सिस पर आप देखेंगे तो एयर गैप आपको ज्यादा मिलेगा तो इस पर लगने वाला कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास में कैसा होगा आपके पास में कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि एयर गैप कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपके पास में आपके पास में अगर इसको बहुत स्पीड से आप चला दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में टूट सकती है आपके पास में ये दोनों आपके पास में नुकसान हो सकता है इसीलिए हम लोग प्रोवाइड द हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ, स्ट्रेंथ अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस इसीलिए हम उसमें क्या यूज करते हैं टर्बो अल्टरनेटर यूज करते हैं क्योंकि इसमें एयर गैप कैसा होता है यूनिफॉर्म होता है जबकि इसमें एयर गैप कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण ऐसा होता है क्लियर है सभी का मजा आ रहा ना तो कितना हो जाएगा आपका ये तभी मजा आता है जब तुम पढ़ते हो नहीं तो मजा नहीं आता है डी उत्तर होगा मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम पढ़ के आओगे पूरे नोट्स रिवाइज करके आओगे तो मैं मैं गारंटी देता हूं मजा आएगा अगला सवाल देखो इन अ सिंकोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम सर्व द पर्पज ऑफ आपके पास में कहा है कि सिंकोनस मशीन में जो स्टेटर फ्रेम होती है वो किस पर्पज से होती है पहला होल्डिंग द आर्मेचर स्टैंपिंग्स इन द पोजिशन एंड आल्सो इज सम केस ऑफ केस फॉर द सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम द कूलिंग फिर इंसुलेटिंग द आर्मेचर बाइंडिंग प्रोवाइडिंग द पार्ट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर प्रोटेक्टिंग द होल मशीन किस लिए आप यूज करते हो आपके पास में स्टेटर फ्रेम मैंने आपको कई बार बताया स्टेटर फ्रेम किस लिए यूज करोगे जो विद्यार्थी सेशन में नए हैं विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करते रहेंगे चलिए बोलो जल्दी से कितना उत्तर आ रहा है ए देखो किताब के सवाल है रटना नहीं है समझ के चलना है तभी जाके तुम उत्तर सही दोगे कितना आ रहा है उत्तर ए? देखो इसमें जो उत्तर दे रखे हैं वो सारे उत्तर इसी के हैं स्टेटर फ्रेम के ये उत्तर पूरे इसी सीखे हैं, पूरे उत्तर सही है चारों इसमें से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब जो मोस्ट उत्तर हो यानी कि जो आपके पास में लग रहा हो जिसकी प्योरिटी फर्स्ट हो उसको उत्तर देना है आपको अब बताओ जो चार उत्तर आपके पास में इसी के हैं इंसुलेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग आपके पास में इसीलिए आपके पास में स्टेटर फ्रेम हम लोग लगाते हैं प्रोवाइडिंग पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में जैसे योक होती है ना वैसे ये भी काम करती है स्टेटर फ्रेम आपके पास में जब तुम लगाओगे तो आपके पास में जो फ्लक्स होता है वो ऐसे जाता है देखना तुम ऐसे जाता है तो आपके पास में वो तब भी प्रोटेक्टिंग द होल मशीन पूरी मशीन को क्या करता प्रोटेक्ट भी करता है यानी कि ये चार उत्तर अब ऐसे सवाल आते हैं कि ये चार उत्तर आपको दे रखे हैं अब इसमें से एक सही उत्तर बताओ कौन सा है जो मात्र आपको लगे कि हाँ ये सही है देखो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर स्टूडेंट कहा मात खाएगा कि आपके पास में उसे लगेगा कि सर प्रोवाइडिंग द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि अक्सर पढ़ाते समय यही बताया जाता है कि आपके पास में स्टेटर फ्रेम या योक जो होती है वो प्रोवाइड कराती है आपके लिए एक पाथ किसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ताकि पूरे आपके पास में मशीन में आपके पास में फ्लक्स क्या कर सके रोटेट कर सके यही होता है तो अब तुम जरा दिमाग लगाओ मुझे बताओ उत्तर सभी विद्यार्थी आप लोग भी उत्तर देंगे जल्दी से फटाफट क्या डी डी नहीं है उत्तर देखो अगर हम बात करें इसकी तो आपके पास में इसका उत्तर जो करेक्ट होगा तो मैं आपको बताता हूं देखो ये उत्तर तो सारे ही सही हैं आपके जो उत्तर है सारे सही है मतलब है ये संबंधित किससे स्टेटर फ्रेम आपसे स्टेटर फ्रेम से लेकिन अगर तुम पहले उत्तर को जरा गौर से पढ़ो पहले उत्तर को पढ़ोगे तो होल्डिंग द आर्मेचर स्टैंपिंग्स इन द पोजिशन यानी कि आपके पास में आर्मेचर स्टैंप को अपनी पोजिशन पर रखी रहती है बहुत आपके पास में इससे कसे होते हैं सब स्टेटर फ्रेम से और इन पोजीशन एंड फॉर द सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम कूलिंग आपके पास में बहुत सारी बड़ी मशीनें जो होती हैं जो आपके पास में यूज की जाती है बड़े जनरेटर कहां पर आपके पास में मैंने तीन प्रकार की कूलिंग लिखवाई थी आपको पावर प्लांट में पढ़ाते समय एक तो लिखवाई थी नेचुरल कूलिंग एक लिखवाई थी मैंने हाइड्रोजन कूलिंग एक और कौन सी लिखवाई थी वाटर कूलिंग आप हैं वाटर कूलिंग तो वाटर हाँ भाई कूलेंट के कूलेंट के लिए आप कूलेंट सिस्टम यूज करते हैं पूरा कूलिंग के लिए क्या कूलेंट सिस्टम जब तुम पूरा कूलेंट सिस्टम यूज करते हो तो बहुत सारे जनरेटर ऐसे होते हैं जिनमें हमें जैसे तुमने आपने गाड़ी देखी होगी कई बार ट्रक के रख में उसमें पानी भरते हैं एक बॉक्स अलग से होता है उसमें एक व्यवस्था जिसमें पानी भरते हैं थोड़ी देर पंखा चलाने के बाद होता है है वाटर का ताकि आपके आपके पास पास में में पूरा जो, जो आपके पास में इंजन है वो क्या रहे ठंडा रहे इज द वाटर कूलिंग कूलिंग आपके पास में नेचुरल तो हम सब में देते हैं लेकिन वाटर कूलिंग भी होती है आपके पास में और वाटर कूलिंग को करते समय हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में स्टेटर फ्रेम से होते हुए वाटर कूलिंग होगी आपकी तो इसीलिए इसका उत्तर कौन सा सही होगा ए क्योंकि आपके पास में देखो अगर तुम्हारे पास में स्टेटर फ्रेम है तो वो आपके पास में इसको पा ये तो आपको प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी तुम अगर किसी के ऊपर कोई फ्रेम लगाओगे अगर आपके मोबाइल के ऊपर वो कांच लगा हुआ है तो वो आपके पास में स्क्रीन को प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है साथ ही साथ आपके पास में अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बता रहा कुछ बहुत सारे कांच ऐसे भी आते हैं जो आपकी आंखों को अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बताते हैं तो आखिरकार है तो एक के कई सारे काम लेकिन हमें उस उत्तर को प्रिफर करना है जो उत्तर आपका सही है तो आपके पास में ये उत्तर इसका ए सही बनेगा तो उत्तर ए और अपनी कापी में काट पीट मत करना नेक्स्ट हैवी सिंक्नस मशीन नहीं लिखा था लेकिन हम लोग प्रिफर करेंगे एकदम पहले उस पर क्योंकि आपके पास में उसने होल्डिंग स्टैंपिंग कहा था तो होल्डिंग आपके पास में जो आपके पास में सारे जो गेज होते हैं वो यहीं कसे होते हैं उसकी फ्रेम पर नट से ये? अब हम्म अगला है इन अ लार्ज सिंक्नस जनरेटर द डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइड अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास में सिंकुनस जनरेटर डैम्पर वाइंडिंग एक डमी होती है और ये डैम्पर, दोनों अलग, अलग हैं। पहला है, फिर है आपके पास में स्पॉन्टेनियस हंटिंग सप्लाइंग पावर टू द ट्रांसमिशन लाइन विद द हाई रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस रेशियो प्रोवाइडिंग लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट ड्यू टू द अनबैलेंसिंग ऑफ द वोल्टेज या फिर ऑल ऑफ द आपको ये बताना है कि हम डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा डैम्पर वाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं अगर तुम इसका उत्तर दे रहे हो तो ठीक है अगर नहीं दे रहे तो आप इस कॉपी में आप स्किप भी कर सकते हो आपका ये चेक नहीं करूंगा मैं सर आप कहां से पढ़े हैं आप गुड टीच हम एनआईटी सिलचर से पढ़े हैं और बताओ कोई कहीं से पढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी स्किल कितनी अच्छी है और आपकी स्टडी यानी कि आप जिसको काम कर रहे हैं वो कितनी शिद्दत से कर रहे हैं बस यही इम्पोर्टेंट होता है बताओ जल्दी से क्या आ रहा है अच्छा मतलब ये तुम पकड़े हो इस किताबों में ऑल ऑफ दी तो आपके पास में उत्तर भी ऑल ऑफ दीज हैं सही कह रहे हो नहीं फिर भी इसको पढ़ो एक बार फिर उसके बाद बताओ का अच्छा काम क्या होता है सेल्फ तो स्टार्ट तो बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं चलिए वेरी गुड सही कहा है कि यदि आप डेम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं सिंकोनस जनरेटर और सिंकोनस मोटर में दोनों का पर्पज अलग अलग होता है अगर तुम जनरेटर में यूज कर रहे हो तो हंटिंग इफेक्ट को कम करोगे और अगर तुम मोटर में यूज कर रहे हो तो सेल्फ स्टार्टिंग के लिए यूज करोगे ठीक है आपके पास में एज एक्जरी वाइंडिंग यूज की जाती है किसमें मोटर में ठीक तो अगर हम बात करें आपसे पहला कहा है ऑब्जर्वशन ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन फैन ऑपरेटिंग पैरेलल विद द विदर अल्टरनेटर बिल्कुल अगर आपके पास में जब दूसरे अल्टरनेटर के साथ में पैरेलल में चलती है जो ऑसिलेशन होता है जो कंपन उसको क्या करता है ऑब्जर्व करने का, का काम करता है पहला बिल्कुल एकदम सही है इसका जवाब अगला आपके पास में क्या होगा ऑफ हंटिंग द सप्लाइंग पावर टू द ट्रांसमिशन लाइन द हाई रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देखो जब हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेटर से पावर हम बस बार को देते हैं या फिर ट्रांसमिशन को तो हम लोग सिंकोनाइजेशन करते हैं पावर का यानी कि आपके पास में बा, बस बार में और अल्टरनेटर की जो पावर पावर होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप यहां से ग्यारह केबी जनरेट कर रहे हैं आपके बस बार की पावर कुछ और है यानी कि दोनों आपने डार्क लैंप मेथड पढ़ेंगे अपन लोग अभी इसमें तो डार्क लैंप मेथड से हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में कि दोनों बस बार और आपके पास में अल्टरनेटर सिंकुनाइजेशन में है कि नहीं यानी कि आपके पास में वहां पर कुछ लैंप लगाएंगे तीन अगर वो तीनों लैंप अगर जल गए तो इसका मतलब वो सिंकोनाइजेशन में नहीं है अगर वो बंद है इसका मतलब सिंकुनाइजेशन में यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैसा हो गया बराबर हो गया जीरो हो गया और अगर आपके पास है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो वो बल्ब जल जाएंगे अगर आपके पास में ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं फिर उसको करते हैं ताकि आपके पास में, क्योंकि नहीं करोगे तो आपके पास जब कम है जिससे वोल्टेज रेगुलेशन भी तो खराब होगा हो तो हम क्या करते हैं सिंकोनाइजेशन में हम लोग करते हैं जब रजिस्टिव और रिएक्टिव ड्रॉप आपके पास रेशियो आपके पास में ज्यादा होता है तो इसका बी ऑप्शन भी सही है इस लिहाज से अगली बात करें प्रोवाइडिंग लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द

अनबैलेंसिंग ऑफ हाई वोल्टेज यानी कि प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करेंट ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ द यानी कि उसने कहा है कि जब भी आपके पास में अनबैलेंस हुआ तो करंट आपकी ज्यादा हुई तो उसके पास में लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा के हम लोग क्या कर देते हैं इसको बैलेंस करने का काम करते हैं यानी कि ऑल ऑफ द इज द करेक्ट उत्तर अगला सवाल देखना हाइड्रो जनरेटर आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन एट आरपीएम हाइड्रो जनरेटर है ध्यान रखना मैंने सब लिखवाया है <coughs> मैंने कितना लिखवाया था कितना लिखवाया था मैंने जो लिखवाया था वो था पां, पांच पांच सौ से एक हजार आपके पास में मैंने इसकी स्पीड इस लिखवाई होगी एनएस बराबर पांच सौ से एक हजार RPM. देखो एक्चुअली में इसके पीछे रीजन है हमारे पास में हाइड्रो जनरेटर यानी कि आपके पास में कौन सा जनरेटर होगा टर्बो साइलेंट पोल वेरी गुड क्या हो जाएगा सैलियंट पोल पोल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल कितने हो सकते हैं बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल अधिकतम पोलों की संख्या कितनी होगी 120 मिनिमम मिनिमम कितने हो सकते हैं छोटे मेरे पास डंडा फेंक के मारूंगा बता दिया दो और तो कितना है आपके पास में ऐसा सब कुछ लिखवाया आप लेकिन तुम पढ़ लिख नहीं रहे पचास हर जो एन एस बराबर कितना आ जाएगा एक सौ बीस गुड़े कितना आएगा <coughs> मैं एक बार ले, ले लेता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल एक सौ बीस गुड़े आपके पास में कितना पचास तो कितनी आएगी स्पीड पचास rpm आएगी अगला अगर आपके पास में एन एस बराबर में आपसे कहूं कि 120 सौ बीस गुणे एफ कितना पचास बटे छ ले लूं तो छह धुनी बारह आपके पास में एक हजार यानी कि इसकी जो स्पीड है पचास आरपीएम से लेके पचास आरपीएम से लेके आपके पास में कितनी होगी आपके पास में एक हजार आरपीएम तक हो सकती है लेकिन यदि आपके पास में किसी फ्रिक्वेंसी को अगर मैं एफ बराबर सिक्सटी हर्ज कर दूं तो आपके पास में कितना आ जाएगा एन एस बराबर एक सौ बीस गुणे साठ बटे आपके पास में एक सौ बीस कितनी आई साठ rpm और यदि हम बात करें NS बराबर कितना आएगा एक सौ बीस गुणे कितना हो जाएगा आपके पास में साठ बटे दूनी बारह 6 दूनी बारह आपके पास में कितनी बारह सौ इतने से ज्यादा अगर आपके पेपर में दे रखी है तो इतनी आपके पास में रेंज है पचास से एक हजार और साठ से बारह सो आरपीएम जब आपके पास में फ्रीक्वेंसी साठ है और जब फ्रीक्वेंसी आपके पास में कितनी है पचास तो ये रेंज है किताबों में आपके पास में उत्तर क्या दिया डोंट केयर अबाउट हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी होगी देखो ये तो हो नहीं सकते अब फंसेगा उत्तर यहां पांच और एक पर अब आपके पास में ये डिपेंड करता है कि आपके पास में जब वो आयोग ने पेपर बनाया तो उसको जो उत्तर दिया गया है कंपनी की तरफ से वो क्या दिया गया है तो इसमें ये उत्तर दोनों ही सही हो सकते हैं क्योंकि पचास से लेकर एक हजार तक मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये मेंटेन हो सकती है अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर आप इन दोनों में से कोई भी उत्तर लगाओगे अभी फिलहाल में आपके दोनों ही सही हैं समझ गए बताया था क्लियर है ऑप्शन बी आप इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्लियर है चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट है द सेलेंट पोल रोटर हैव टू और फोर प्रोजेक्टेड पोल्स कैरिंग द फील्ड कॉइल ठीक है नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्टिंग पोल्स कैरिंग द फील्ड कॉइल द थिक स्टील लेमिनेटेड रिबिटेड टूगेदर एंड फिक्स टू द रोटर बाय द टेल ज्वाइंट आपके पास में अगला है पोल फेस यूजली प्रोवाइडेड विथ स्लॉट फॉर द डैम्पर बाइंडिंग

फिक्सड टू द रोटर आपके पास में एक fixed rotor है रिपेट uh, fixed rotor the, uh, joint है? है किससे से से ठीक अगला यानी कि हम फेस को यूजली प्रोवाइड कराते हैं स्लॉट को किसकी डैम्पर पर की? और अगला है आपके पास में ऑल ऑफ में, में <coughs> yeah. बताओ। ना, क्यों तो आपके पास में, में, होता नहीं। तो में आप कह नहीं सकते कि प्रोजेक्शन होता है टर्बो में प्रोजेक्शन नहीं होता नॉन प्रोजेक्टेड आपके पास में होता है वो। इस बेस पे आपके पास में ये गलत हो गया चलो भाई लोग उत्तर दे दो आज इतने कम लोग क्यों आए पढ़ने लाइफ नहीं देखे कल उनकी लाइफ बनाएंगे हम इतना डर भी सही नहीं है नहीं मार रहे ना हम मैं भगा रहा किसी को ठीक है कितना पढ़ने आ जाओ नहीं? डर जरूरी है देखो अगर हम बात करें इस सवाल के बारे में तो सवाल आपसे क्या कह रहा है जरा सवाल को गौर से सुनिए द साइलेंट पोल रोटर है pole pole आपके पास में दो या चार पोल ऐसे होते हैं जिनके पास में फील्ड होती है ऐसा तो नहीं है हमारे पास में छह से ज्यादा और छह से एक सौ बीस तक हम पोल ले सकते हैं जरूर ये चार आपके पास में तो ये तो गलत हो गया ये तो आपके पास में हंड्रेड परसेंट गलत है अगला देखो अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्टिंग पोल्स कैरी द फील्ड पॉइल हाँ आपके पास में बहुत अधिक पोल्स हो सकते हैं जो आपके पास में फील्ड को कैरी कर सकते हैं पहला ये तो सही है अगला है आपके पास में नेक्स्ट थिक स्टील रिपीटेड आपके पास में जब वो प्रोजेक्टेड बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उनको आपके पास में रिपीट ज्वाइंट लगाते हैं उधर पर और साथ ही साथ रोटर जो है आपके पास में डिबोर टेल ज्वाइंट से जुड़ा होता है ठीक अब पोल फिशली प्रोवाइड विध स्लॉट ऑफ द डैम बाइंडिंग्स तो आपके पास में ये एकदम सही है कि आपके पास में पोल फेस हम यूजुअली प्रोवाइड कराते हैं किसके साथ में आपके पास में स्लॉट पर डैम बाइंडिंग के साथ में तो आपके पास में ऑल ऑफ द एक्सपेक्टेड ए यानी कि ये गलत है बाकी आपके पास में सही है यही लिए उत्तर इसका कौन सा आएगा ई अगला देखो लार्ज डायमीटर साइलेंट पोल रोटर है आपसे पूछा गया है कि लार्ज डायमीटर यानी कि आपके पास में बड़ा व्यास साइलेंट पोल रोटर हैव

सही है पक्का बताइए भाई आप लोग डी सही है आल सही है देखो एक कह रहे ऑनलाइन देख रहे हैं अभी पता नहीं कौन है देव है ये नहीं ये तो ये बैठा है तुम्हारी शक्ल जैसी लग रही थी इसमें फोटो एक के फोर्टी सेवन कौन है ये कौन आता है अपने बैच में फोर्टी सेवन वाला नाम लिखना चाह तो तू नाम लिखना बेटा नाम लिखना नाम लिखियो बेटा क्या नाम है तुम्हारा नाम बता दो मैं तुम्हारी यहाँ अटेंडेंस लगा दूंगा अभी अटेंडेंस लगेगी तुम्हारी बस कल आपकी पूजा भी तो होनी है आज कहीं और करा लो फिर कल हम कर देंगे ठीक है आज तुम चांद तो नहीं बने हो किसी के हम्म कौन कौन चांद बना है <coughs> 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 कितना आंसर आ रहा डी आ रहा है देखो जरा ध्यान से समझना जरा ध्यान से समझने लार्ज डायमीटर साइलेंट पोलूटर है शॉर्टर एक्सियलेंथ बिकॉज इट्स ऑक्यूपाई मच लेस स्पेस फिर इट्स लॉट ऑफ कॉपर इज स्टेटर वाइंडिंग इट्स रिव्यू द बेट ऑफ रोटर नंबर ऑफ कंडक्टर हेल्ड इन लार्ज सर्गम ऑफ द रोटर इज वेरी लार्ज एंड सो दे नीड नॉट लॉन्ग देखो साइलेंट पोल रोटर तुम देखोगे तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये ऐसे बनता है तो ऐसे जैसे कई बार आपके पास में पंखड़ी आती है ना पंखे की ऐसे नजर आएगा ये आपको ऐसे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं आपके पास में कुल मिला हम इसको काटते हैं एक पूरे के पूरे ठोस उससे अब इसमें उसने कहा है कि नंबर ऑफ कंडक्टर हेल्ड इन लार्ज सरगम फैंस आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं आपके पास में रख दिए जाते हैं सो हमारे पास में इसकी आवश्यकता नहीं होती है कि मैं इसका एक्सीय लेंथ ज्यादा लू ठीक सो आपके पास में इसकी एक्सीय लेंथ ज्यादा भी नहीं होती है इसीलिए इसकी स्पीड भी कम रखी जाती है ठीक समझ गए तो यहां पर आपके पास में डी उत्तर सही होगा समझ गए क्लियर है चलो उत्तर जरूर लगाते जाना चलिए अगले सवाल का जवाब देना नहीं? देखो मैंने आपको बताया था कि इन अ सेंड्रिकल रोटर पोर्शन ऑफ रोटर इज बाउंड आपके पास में कितना पोर्शन रोटर का बाउंड होता है मैंने ये आपको सवाल कराया, आपके पास में लिखा हुआ है जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या लिखवाया था मैंने वहां पर टू बाई थर्ड हम लोग क्या करते हैं टू बाई थर्ड हम लोग क्या करते हैं बाइंडिंग में ना? है ना बाइंडिंग करते हैं टू बाई थर्ड पोर्सन पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं किसके सेंडिकल रोटर के और बाकी जो बचा रिमेनिंग उसमें क्या करते हैं hmm? वन बाई थर्ड फॉर्मेशन ऑफ पोल वेरी गुड फॉर्मेशन ऑफ पोल्स ठीक तो आपके पास में टू बाई थर्ड आप लोग बाइंडिंग करते हो इसमें और बाकी जो रिमेनिंग बचता है उस पर क्या करते हो आप बेटा आपके पास में पोल्स के लिए रखते हैं तो टू बाई थर्ड इज करेक्ट आंसर चलिए

लीकेज फ्लक्स इज इंड्यूस्ड बाय द मेन और वर्किंग फ्लक्स वर्किंग और मेन फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय द फील्ड करंट वर्किंग और मेन फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय द आर्मेचर करंट बोलो नहीं बोलोगे बी <laughs> होगा नहीं तुम तो वहां लिख दो क्या है चलिए अगर हम यहां ध्यान से देखें तो आपके पास में जब तुम यहां बनाओगे अब ये सब मुझे करवाना पड़ेगा ना भाई क्योंकि तुम तो दूध पीते बच्चे हो देखो यहां पर आपके पास में यहां पर आपके पास में अभी अल्टरनेटर कैसा है नो लोड पर नो लोड पर है यहाँ पर क्या होगा ई करंट कौन सी जाएगी आई जैसे ही तुम इसमें लोड लगाओगे क्या इंट्रोड्यूस होगा आपके पास में सबसे पहले तो आएगा क्या आपके पास में आएगा जे ऑफ एक्स ए आर चलिए फिर क्या आएगा जे ऑफ एक्स ए आर ठीक है फिर क्या आएगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर ऑफ ए अब आपने यहां पर क्या लगा रखा कोई लोड लगा रखा डैट इज द वी टी प्लस माइनस वी टी यही होता है याद यहां पर क्या होता है ई ऑफ आर तुम्हें और कहीं इंडिविजी देख रहा कहीं देख रहा ऑफ e ईर आया किसके कारण है हमारे पास में पहले लोड नहीं लगा था हमारे पास में पहले हमने केवल नो लोड पर यूज किया तो एक्साइटेशन वोल्टेज आया ई एफ ये किसके कारण आया मेन फील्ड फ्लक्स के कारण किसके कारण आया था फाइव के कारण क्या आया ई एफ आया करेक्ट है इतनी बात हुई थी कि फाइ एफ के कारण ई एफ आया अगली बात चलेंगे जब फाइव के कारण ई एफ आया फिर हमने लोड लगाया तो उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई आर्मेचर रिएक्शन क्या आई आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन जब आई तो आपके पास में फ्लक्स कभी घटा कभी बढ़ा आपके पास में मैग्नेटाइजेशन हुआ डीमैग्नेटाइज हुई या फिर आपके पास में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आई तो आपके पास में जब तुम निकालोगे तो आपके पास में एक आएगा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आएगा रिजल्टेंट फ्लक्स फाइव आर जिसके कारण एक इंड्यूस्ड वोल्टेज अभी तक जो वोल्टेज आ रहा था वो फील्ड फ्लक्स के कारण आ रहा था आपके पास में और आपके पास में जो इंडिव्यूल वोल्टेज आ रहा था वो ई एफ आ रहा था हुई, और जैसे ही आर्मीचर रिएक्शन आई तो आपके पास में एक आएगा रिजल्टेंट फ्लक्स या तो घट के आएगा या फिर जुड़ के आएगा तो आपके पास में उसके कारण एक रिजल्टेंट ई एम एफ आएगा अब ये किसके कारण आया फाइआर के कारण ना कि फाइए के कारण तो आपके पास में बताओ कि उत्तर क्या होगा तो आपको नहीं देख रहा ई एम एफ इंडिव्यूज बाई द मेन फ्लक्स और वर्किंग फ्लक्स तुम्हारी कापी में सब लिखा नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था तुम कोई भी किताब उठा के देखना तुम्हारी कापी से अगर बाहर कोई उत्तर मिल जाए तो मुझे बताना कोई प्रश्न मिल जाए <coughs> केवल तुम्हें पढ़ने की दे रहे हो रिविजन की चलो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इज प्रिफर्ड ओवर आ कंसंट्रेटेड बाइंडिंग एज इट डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इज प्रिफर्ड ओवर द कंसंट्रेटेड बाइंडिंग हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को क्यों प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कंसनट्रेटेड बाइंडिंग रिड्यूज नॉइस रिड्यूज द मशीन साइड रिड्यूज द अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इम्प्रूव द जनरेटर ई एम एफ बेब एंड एड द एंड मैकेनिकल स्टैंड टू द बाइंडिंग क्या होगा पक्का मैं भाई किसी का भाई नहीं हूं हाँ भाई लगा रहे कौन से सर मैं जानता भी नहीं यार जल्दी बताइए क्या आएगा चलिए आ गया सभी को उत्तर डी देखो मैंने आपको दोनों वाइंडिंग पढ़ाई कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या देखने को मिल रहा था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में तुम जा रहे थे आप एक बार में जैसे आपके पास में ये मामला था वहां पर कि आपके पास में यहां ये यह एक दो तीन और ये चार ए ए डैश बी और बी डैश

ये दो इंस्ट्रूमेंट दो आपके पास में आए थे जो कि हमारी बेज वोल्टेज फॉर्म को क्या कर रहे थे कम कर दे रहे थे है ना ये के आपके पास में जो प्रभावित हो रहा था किस फैक्टर से के और के से और इस वाली वाइंडिंग का खास बात क्या थी कि इसमें जो इंडिव्यूज ई एम आ रहा था वो एडिटिव था आपके पास में ई वन टोटल ई एम एफ कितना ई वन प्लस, प्लस अप टू कहां तक ई e एन तक आ रहा था आप सीधा दौड़ते चले जाओ लेकिन क्या ऐसा इसमें हो रहा था ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि आपके पास में इसमें क्या हो रहा था कि आपके पास में हम लोग क्या कर रहे थे ए फिर इसके बाद क्या आया था ए वन फिर उसके बाद पीछे की तरफ आएगा ना यहां एस कैसे चल रहा था ए फिर यहां पर क्या आएगा ए वन फिर यहां क्या आएगा ए टू कैसे आ रहा था इसके सामने ए डैश इसके सामने ए वन डैस इसके सामने ए टू डैश कुछ ऐसी वाइंडिंग चल रही थी आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड आप क्या कर रहे थे कि आपके पास में कुछ टर्न यहां से घुमाते हुए आप ऐसे और यहां से निकाल रहे थे निकाल रहे थे जब आप निकाल रहे थे यहां से डाला यहां से डाला और यह तीनों से आप निकालोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही थी आपके पास में यहां पर क्या बन रहा था आपके पास में एक फेज बेल्ट बन रहा था क्या बोल रहे थे बन रहा था जिसकी आंसर जिसका आपके पास मान आ रहा था सिक्सटी डिग्री का जिसको आप कॉयल स्पान भी कह दे रहे थे ठीक आपके पास में अगर हम यहाँ देखें जरा गौर से समझें इस बात को तो अगर हम देखें तो हमारे पास में यहां पर हो क्या रहा था कि हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में हम शॉर्ट पिच भी कर दे रहे थे ठीक तो आपके पास में पहला पॉइंट है रिड्यूस द नॉइस नहीं आपके पास में लास्ट वाला पॉइंट करो तो तो क्या आएगा इंप्रूव द जनरेटर दस <coughs> रिगार्डली एंड मैकेनिकल स्टैंड टू द बाइंडिंग इसका उत्तर यही सही होगा आपके पास में डी इसमें ये हो रहा था लेकिन इसमें फेजर के साथ में आपके पास में इंड्यूस्ड ई एम एफ जुड़ रहे थे फेजर डायग्राम बन रहा था ठीक मैंने आपको सब कुछ बताया जोड़ के अगले सवाल की तरफ चलेंगे सिंकोनस अल्टरनेटर बिच ऑफ द फॉलोइंग कॉइल विल द साइन वेव फॉर्म बोलो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से सिंकोनस अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से कौन सी कॉइल जो है बिच ऑफ द साइन वेवफॉर्म यानी कि साइन वेवफॉर्म के क्लोजर होती है पहला है कंसनट्रेटेड बाइंडिंग इन फुल पिच कॉइल कंसंट्रेटेड बाइंडिंग इन शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इन फुल पिच कॉल और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इन शॉर्ट पिच कॉइल मुझे फॉर्मूले के साथ लिखना उधर जो भी लिखो तुम जल्दी बताओ रिवीजन करके हो ना पक्का तब तो तूने तो इतने उत्तर सही दे दिए क्या आ रहा है किसी का सिया किसी का कितना आ रहा तुम्हारा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग फुल पिच फुल पिच कैसे हो जाएगी भाई साइन वेव शॉर्ट पिच आएगी साइन वेव ए कितना लिखोगे कैसे लिखोगे इसको कितना आएगा ई एम एफ ई एफ बराबर क्या आएगा फोर पॉइंट फोर फोर क्या बोला तुमने जरा बताना आपने लिखा कि सर ई एफ बराबर फोर पॉइंट फोर फोर फाइव पी एच इंटू एन पी एच के सी एफ इंटू के सी इंटू के डी अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से समझना ये आता है आपके पास में किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के द्वारा अपन को। कोई भी हार्मोनिक्स नहीं थी कंसनट्रेटेड बाइंडिंग में क्योंकि सीधी तुम ऐड कर दे रहे थे लेकिन इसमें आपके पास में हारमोनिक्स इंट्रोड्यूस हो रही थी जब तुम देखोगे तो हारमोनिक्स इंट्रोड्यूस होगी तो आपके पास में कॉस 90 माइनस

हार्मोनिक्स इन दिनरेटेड इन्टरनेटर कैन बी रिड्यूज बाई बोलो हारमोनिक्स इन आम एफ जनरेटेड जनरेटर इन अल्टरनेटर कैन बी रिड्यूज बाई किस से ऑप्शन डी कैम्फ्रिंग द साइलेंट पोल टिप इसका मतलब क्या होता है चैम्फर कैसे दिखाई देते हैं चलो देखो द स्लॉट यानी कि आपके पास में जो आपके पास में जो स्लॉट होते हैं वो होते हैं ऐसे ना इसको बोलते हैं स्लॉट यानी कि आपके पास में क्या होगा अगर हम किसी तरीके से स्लॉट की स्क्वीइंग को बढ़ा दें या फिर स्क्वीइंग स्लॉट कर दें तो आपके पास में हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा हमें जनरली कौन सी हार्मोनिक्स रिड्यूस करनी होती है पे ही काम करते हैं क्योंकि यही आपके पास में थर्ड हारमोनिक्स आपके पास में सबसे ज्यादा आपके पास में डोमिनेटिंग होती है हम इसी को बार बार रिड्यूज करेंगे लेकिन फिफ्थ हार्मोनिक्स को हम कभी रिड्यूज नहीं कर पाएंगे ध्यान रखना क्योंकि थर्ड करेंगे तो आपको फिफ्थ मिलेगी फिफ्थ करोगे तो थर्ड मिल जाएगी तो किसी एक को ही रिड्यूज कर सकते हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं थर्ड हारमोनिक्स को ही रिड्यूज करते हैं फिर आपके पास में चैम्परिंग द साइलेंट पोल टिप यानी कि आप ईयर गैप बढ़ाओगे इसमें यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बिल्कुल हम डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग यूज करेंगे तो हमारे पास में हारमोनिक्स कम होने के चांसेस ऑल ऑफ डी आंसर इसका सही होगा क्लियर पी एस सी पी वाई क्यू करवा दू भाई यूके पीएससी के पीवाई की करवाए थे तुम्हारे तो क्लास में कोई था जब तुम आओगे नहीं क्लास में तो अकेला मास्टर थोड़ी पड़ेगा भाई हैं? इट इज द डिजायरेबल एनिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक्स वोल्टेज बे फॉर्म द फेज वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर द द्स शुड बी शॉर्ट पिचड बाय शॉर्ट पिच बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल कितनी करोगे जीटा बराबर क्या लगाओगे हैं? 180 सौ अस्सी बटा पांची पाई बाई फाइव ना पांच से कटेगा कितनी पांच दूनी दस अठारह दूनी छत्तीस डिग्री कितना आएगा छत्तीस डिग्री आएगा इसमें कितने लोगों का आंसर गलत है छत्तीस डिग्री बोलो कितने लोग कह रहे हैं छत्तीस गलत है कौन कौन सहमत है इस बात से बोलो गोपी सही है पक्का अगर बेटा सही नहीं निकला ना तो पूरी क्लास की जगह तुम मुर्गा बनोगे बनोगे तुम्हारे एक दोस्त कहाँ गया जो कॉपी देने आया था वो कहाँ है क्या नाम था उसका विकास चौहान कहा तो आया क्यों नहीं है मैच देख रहे हैं अच्छा कई लोग आज चांद बने छत्तीस डिग्री तो चांद तो भाई रात में देखा जाता है अभी से दिन में क्या करोगे अपना जिला अभी दूर रखो अच्छा अभी से रजाई ओढ़ के रखे हैं इकट्ठा वो जिला देंगे हैं? है? कहा तुम नहीं हो यहां हर व्यक्ति बैठा चांद है, है अच्छा ग्रहण है तुम किसके सामने आ गए जो ग्रहण हो गए <laughs> देखो यहां पर एन अल्टरनेटर इफ एम इज द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज एंड जीटा इज अ गामा लिखा हुआ है गामा इज द स्लॉट पिच एंगल देन द ब्रीद और द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द आर्मेचर बाइंडिंग ये मैंने कई फॉर्म में आपको लिखवा रखा इसको बताओ जरा सर क्या है? एम गामा टू एम गामा टू. बिल्कुल करेक्ट है और इसका उसके फॉर्म में क्या होगा उत्तर ब्रीथ फैक्ट इसके फॉर्म में क्या बोलते हैं आपके पास में स्प्रेड स्प्रेड के फॉर्म में फेज स्प्रेड के फॉर्म में मैं स्प्रेड फेज फेज स्प्रेड के फॉर्म में पूछ रहा हूं मैंने एक थ्योरी में लिखवाया था साइन फेज स्प्रीड बाई टू वेरी गुड अपॉन फेज स्प्रीड बाई टू यानी कि साइन फेज स्प्रेड बाई टू अपॉन फेज स्प्रेड बाई टू ठीक है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा आपके पास में क्या के डी है केसी चलिए एक तो यह भी उत्तर होता है क्लियर है आ जाओ जरा जा दरअसल अगली तरफ द ब्रीद फैक्टर फॉर अ थर्ड हार्मोनिक्स ई एम एफ ऑफ अ थ्री फेज फोर पोल सिंकुनस मशीन है छत्तीस बोलो निकालो ब्रीद फैक्टर केड़ी निकालना है भाई ठीक है करवा देंगे प्लीज लीज मत करो मैं करवा दूंगा आज चांद लेट निकलेगा है चांद नहीं चांद नहीं चांद तो यहां बैठे हैं अपना खा पी के अपना सोएंगे? क्या दिक्कत आ रही है जीवन में है गोपी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत जल्दी निकाल के बताओ कितना आ रहा है कितना आ रहा है टू बाई थ्री टीचिंग अठारह हाँ सही कह रहे हो लगभग टू बाई थ्री पॉइंट में देखो जरा सल क्या सिक्स पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स सेवन आ रहा है इतना ही आ रहा है कैसे निकालना रहा बताना जरा नहीं कौन बोला अंत अभी पीछे और कौन बोला कैसे आ रहा एंगल 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 ठीक है एम का मान निकालो और आपके पास में किसका गामा मान निकाल लो बस आप रख दो उत्तर आ जाएगा एम का मान कैसे निकालोगे क्या है ठीक है कितना आएगा एम बराबर आप लिखोगे नंबर ऑफ पोल कितना आएगा छत्तीस बटा बारह आएगा चार, चार पोल हैं आपके पास में यानी कि तिया भारतीय छत्तीस यानी कि तीन आ गया आपके पास में गामा कितना आएगा कितनी कौन सी हारमोनिक है एक सौ अस्सी डिवाइडेड बाई तीन तीछिंग अठारह कितना आएगा साठ डिग्री अब इसको रख दो सैं, सैं बीटा वाले में हो गया सबका आ गया उत्तर तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे अभी निक, निकाला के डी बराबर क्या निकालोगे एम साइन बीटा एम साइन एम साइन एक मिनट रुक जाओ चिल्लाओ मत क्या कह रहे हो साइन एम गामा बाई टू अपॉन एम साइन गामा टू इसमें रख लो आपके पास में लगभग कितना आ रहा उत्तर 0.67 सॉल्व किया ना इसको इन दोनों डाटा को यहाँ उठवा के रखो आपके पास में उत्तर आ जाएगा कितना ये है ना चलिए फिर नेक्स्ट है आपके पास अ अनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग ऑन द स्टेटर हैज थ्री फुल पिच्ड कोयल ईच कोयल हैविंग एन टर्न एंड ईच टर्न कैरी अ करंट आई देन द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द दिस बाइंडिंग देखो बहुत इत्मीनान से सवाल को करना आसानी से थर्टी थ्री कहाँ आ रहा है सर प्लीज चेक वैल्यू ऑफ बीटा सही है वैल्यू तो सारी सही है साठ आ रही ना वैल्यू तो तुम्हारी नहीं नहीं इसमें आएगी क्योंकि तुम स्प्रेड सही कह रहा हो भाई तुम उसमें वैल्यू अगर तुम चेक करोगे तो आपके पास में लगभग क्योंकि आपके पास में बीटा निकालोगे ना तुम जो जी युगामा है तुम वो निकालोगे तो गामा कैसे निकालोगे तुम्हारे पास कितनी स्लॉट आपके पास में ए, क्या कोडेड हुई है कोडेड एंगल निकालोगे ना तो आपके पास में कितना छत्तीस बाई चार नहीं आएगा फिर उसको काटोगे तो बीस डिग्री नहीं आएगा छत्तीस बाई चार नहीं आएगा यहाँ पर तुमने गलत किया है यहां पर ये इसको सही कर लेना ये जो होगा आपके पास में छत्तीस बाई चार आएगा ये सही करो इसको फिर ये आपके पास में बीटा आपके पास में जो निकालोगे इसको आप इसको सही करो पहले सही से करो इस सवाल को तो सही कह रहे हैं कौन कह रहा है ये हाँ योगराज कुमार बिल्कुल मैं भी चेक कराता हूं इसको ना क्या था सवाल जरा बताना तो तुम्हारे पास में एक तो सबसे पहले एम कितना आया तीन आएगा ठीक है वैसे तो ठीक है मेरे ख्याल से तो ठीक है इसको देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे इसको अभी फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं लास्ट में इसको चेक कर लूंगा नहीं तो हम इसी पर रुक जाएंगे फिर टाइम हो जाएगा इसको चेक कर लूंगा मैं अभी थोड़ी देर में कितना है इसमें अभी मैं चेक कर लूंगा मेरे पास हालांकि ऐसा कोई है नहीं अभी अभी मैं कापी से अभी अपने पे सॉल्व करके देख लूंगा मैं कापी पे अभी ठीक है तो लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करा लूंगा अगर गलत होगा कहीं तो उसकी वैल्यू रख लेंगे अगर सही होगा तो फिर मैं वो उसको दोबारा समझा दूंगा फिलहाल आगे चलते हैं ना नहीं तो रुक जाएगा मुझे ये बताओ अनफॉर्मली है ना के कितने टन है एन और इच टन कैरी द करेंट आई दोड्यूस बाई दिस बाइंडिंग कितना होगा एम ए प्रोड्यूस बाई दिस बाइंडिंग कितना होगा बताइए कितना आ रहा है थ्री एन आई पक्का जल्दी बताओ आंसर आपसे पहला ऑप्शन क्या कहा जरा गौर से सवाल को पढ़ो फिर उत्तर दो

क्योंकि आपके पास में ये कैसी ट्रिपोजाइडल आपके पास में बन रही थी आपके पास में एयर गैप कम हुआ कम हुआ आपके पास में क्या आया सामने आपके पास में आप पोल फेस आया वहां पर एयर गैप कांस्टेंट कांस्टेंट आपके पास में फ्लक्स कांस्टेंट पर नीचे घटेगा फिर कांस्टेंट और फिर आपके पास में बढ़ेगा तो आपके पास में ये ट्रिपोजाइडल बन रही थी ट्रिपोजाइडल इन बेफॉर्म विथ एन एम्पलीट्यूड थ्री एन आई फिर कहा गया है आपसे ट्रिपोजाइडल In wave with an amplitude 3 by 2, कि आपके पास में थ्री uh, the तो आपके पास में ये आएगा आपके पास में साइन हाफ आप हो जाएगा आपके पास में इसका उत्तर आएगा आपके पास में थ्री बाई टू ऑफ एन आई डी आएगा ना थ्री बाई टू ऑफ एन आई क्लियर है ये इसलिए नहीं हो सकता देखो तुम ये दोनों भी तो उत्तर गलत कर सकते हो ट्रिपोजाइडल से थ्री बाई टू इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास में क्या हुआ थ्री बाई टूडल कितना होता है सही कह रहे हो आपके पास में रिजल्टेंट से कितना होता है 1.5 NI इसीलिए उसका कितना आएगा आपके पास में कितना आएगा आपके पास में 3/2 NI रिजल्टेंट का आपके पास में 1.5 होता है और इंडक्शन में सेम इंडक्शन सिंगल फेज में कितना होगा जीरो होता फेज तो, में कितना आएगा 2 फेज में 3 तो. पक्का? पक्का सही कह रहे हो सही कह रहे हो तो इसका उत्तर क्या होगा डी सब चोटी चोटी न, ये सब पढ़ो तो जो छोटी छोटी चीजें है ना ये तुम्हें खुद से पढ़नी चलिए नेक्स्ट अ अड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन द फेजर एडिशन ऑफ़ ऑफ़ स्टेटर एंड रोटर एमएफ इज पॉसिबल बी इन सेंड्रिकल रोटरिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन द फेजर एडिशन ऑफ स्टेटर एंड रोटर एम एम इज पॉसिबल बिकॉज टू एम एफ आर

कितना टाइम हो गया चलिए बस थोड़ी देर और क्लास चली क्योंकि अब कल आपको वन टाइम आना है आपके पास में मशीन में जो बचा है वही रिमेनिंग रे, रे, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका उत्तर बताओ कितना आ रहा है कितना आ रहा है आप सभी का सी है सर रुक जा भाई देखो यहाँ पर आपके पास में मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपके पास में एक एम एम एफ आपके पास में केवल रोटर घूमता है फील्ड आपकी रोटेटिंग होती है और स्टेशनर पर स्टेशनरी आपके पास में जो आर्मीचर वाइंडिंग होती है वो स्टेशनरी होती है वो कहीं घूमने उमने वाली नहीं है अगर वो कहीं घूमने वाली नहीं है तो मुझे एक बात बताओ आपके पास में अगर आप उसको मूव कराओगे तो आपके पास में मैंने क्या कहा था जब हमने उसकी वर्किंग पड़ी थी तो मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास में रोटर घूमेगा तो उसको ये लगेगा कि पीछे की तरफ चल रहा है इज द आपके पास में मैंने क्या कहा था कौन सा आपके पास में मोशन बताया था रिलेटिव मोशन मैंने आपसे कहा था उस समय कि मान लो आपके पास में एक कोई आपके पास में रोटर है और इसके ऊपर आपने फील्ड वाइंडिंग कर रखी है आपके पास में कोई ये फ्लक्स है और यहां पर आपके पास में इस तरीके से आपके पास में स्टेटर पर आपके पास में कुछ कहानी इस तरीके से है जब ये मान लीजिए इस तरफ को घूम रहा है आपके पास में कौन घूम रहा था ये ये घूमेगा तो ये पीछे की तरफ चलेगा ये पीछे की तरफ चलेगा तो इधर की तरफ चलेगा तो इन दोनों में जो रोटेशन हुआ दैट इज द रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन का मतलब होता है टू एम आपके पास में टू एम एफ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जैसे तुम ट्रेन में बैठे ठीक तुम ट्रेन में बैठे ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है अगल बगल पेड़ पौधे जो बिल्डिंग है आपको लगेगा कि आपके पास में क्या है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं आपकी तरफ जब वो पीछे की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप स्टेशनरी हैं और वो भी स्टेशनरी है जो पेड़ पौधे बिल्डिंग रखे हैं वो आपने केवल चल के आ रहा ट्रेन जिसमें आप बैठे हैं ऐसे ही आपके पास में घूम रोटर रहा लेकिन आपके पास में फील्ड को क्या लग रहा है कि आपके पास में इसको एक क्या लग रहा है फील्ड घूम रही जबकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं स्टेशनरी टू ईच अदर इज नोन एज आपके पास में उत्तर नंबर सी आ जाइए अगला द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज नॉर्मली कनेक्टेड इन स्टार टू डिटार टू एलिमिनेटेड हार्मोनिक्स कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज वेव फॉर्म बिल्कुल सही बताना मैंने आपको पढ़ाया ये सही कि फिफ्थ बोलो तो सही मैंने क्या कहा था जनरली हम क्या करते है? हैं थर्ड हार्मोनिक्स को हटाते हैं क्या करते हैं जनरली थर्ड हार्मोनिक्स को हटाते हैं चलिए एक क्वेश्चन और देखो अगला कंसिडर दूर डिपेंड अपॉन बोलो इंडिव्यूज पर फेज डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न पर फेज पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर देखो आपके पास में अभी लिखा था ई एफ बराबर फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एफ एन एन पी एच और आपके पास में के सी इन अच्छा जी आपके पास में फ्रीक्वेंसी कितनी है ये है नंबर ऑफ टर्न ये है पिच फैक्टर आपके पास में के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के आपके पास में वन टू थ्री और फोर डी उत्तर आपके पास में सही होगा अगला सवाल है ना थ्री फेज स्टार कनेक्टेड जनरेटर इफ द फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक्स RMS ज इन ईच फेज आर इसका बताओ आप लोग कितना आंसर है इसका तो इसी के साथ में हम लोग विदा लेते हैं आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखें फिर किसी दिन आपके साथ मुलाकात होगी एक स्पेशल सेशन में ऐसे ही जानदार और जोशदारो जो, जोशीले से तो आज के लिए इतना ही आप सभी का शुक्रिया सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिर और आपके लिए ऐसे ही स्पेशल सेशन कुछ और लेके ले आएंगे कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तो आज के लिए इतना ही आप सभी का शुक्रिया